रमो लो ये सब साहूरम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी कजराट श्री महावीर भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सगर जी मुनराज की, तीन कमलों कुटी माँ मुनराजों की, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की, भवे बंधु भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर प्रभु की ये दिव्य देशना ही मनुष्यों हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। समय बड़ा विचित्र है, समय बड़ा विचित्र है। घर घर रहने वाले लोगों को एक साथ मंदिर बैठाने की शक्ति किसी में है तो वो परमात्मा में है। सभी अपने घर में रहते हैं लेकिन मंदिर समाज का घर है। और ये जो मिशन स्कूल का ग्राउंड है ये कई बार मंदिर बन चुका है और इस 2022 में पुनः मंदिर बनने के लिए तैयार हुआ है। अयोध्या बन चुका है, शौरीपुर बन चुका है, इस बार फिर से शौरीपुर द्वारिका बनने के लिए फिर तैयार हुआ है। आज का दिन पावन इसलिए है कि चाहे जैन हो, जैनेतर हो, बाल हो, वृद्ध हो, सबके मन में परमात्मा की झलक की ललक है, इसलिए आज का दिन जो है विशेष है। डीएन भैया कहाँ हैं? सुनो भैया, डीएन भैया, ऊंचा उठना हर कोई चाहता है, ऊंचा हर कोई उठना चाहता है, लेकिन ऊंचा कैसे उठा जाता है ये हर कोई नहीं जानना चाहता। हम उच्च पद पर पहुंचे, हम परमात्मा जैसे उच्च पद पर पहुंच जाएं, ये भाव भी जीव के अंदर आता है, लेकिन जो परमात्मा बनने की प्रक्रिया है उस पर चलना कोई नहीं चाहता। महावीर भगवान को मानने वाले कितने हैं? आप लोगों के बीच में कोई है जो भगवान महावीर को मानता हो? नहीं मानते भारत भैया, तुम बताओ तो कि मानते हैं? मानते हैं। अच्छा भैया, सर्वज्ञ प्रभु राम को मानते हैं? राम की कितने मानते हैं? हाँ हाँ हाँ, राम को कितने मानते हैं और राम की कितने मानते हैं? हाथ नीचे हो जाएंगे। भगवान महावीर को मानने वालों की संख्या बहुत है, भगवान महावीर की मानने वालों की संख्या अधिक नहीं है। जिस दिन हम भगवान के साथ साथ भगवान की मानने लगेंगे, सत्य मानना, भगवान बनने में हमें देर नहीं लगेगी। जितने भी लोग भगवान की प्रतिमा की स्थापना के भाव रखे हैं और भगवान की प्रतिमा की स्थापना कर रहे हैं, उनसे विशेष करके कहना है, भैया इस पर्याय में आप भगवान नहीं बन पा रहे हो, ये मैं मानता हूं। इस पर्याय में आप भगवान नहीं बन पा रहे हो, ये मैं मानता हूं, लेकिन इस पर्याय में भगवान नहीं रख सकते, ये मैं नहीं मानता हूं। जब तक भगवान न बनो तब तक भगवान की स्थापना करते रहना। बहिरंग में मंदिर में, अंतरंग में अपने हृदय में। वो भैया आज भजन सुना रहे थे, हमारे शांत श्री महावीर, तो भैया महावीर और राम भगवान तब आपके साथ होंगे जब आप उनकी मानोगे। अठारह पुराण, चार वेद, हिंदू दर्शन में यही आगम का पूरा सार है। गीता, रामायण और चार वेद, जो अठारह पुराण और चार वेद हैं, यही सार है। लेकिन तुलसी जी भी बात कह गए, एक विधायक जी,
सांसद जी, तुलसी जी भी एक बात कह गए, 18 पुराण, 4 वेद, बात मिली है तू। इतना बड़ा जिनागम है, इतना बड़ा भारतीय साहित्य है, उसका सार बहुत कम है। वो सार का ही विस्तार होता है, 18 पुराण, 4 वेद, बात मिली है दो, सुख देत सुख होत है, दुख देत दुख होत। आप अगर सुख दोगे तो सुख मिलेगा और दुख दोगे तो दुख मिलेगा। अगर आप किसी की क्रिया में, भाव में सहायक बनोगे तो निश्चित मानना पुण्य भी आपका सहायक बनेगा। आज आप सब लोग आए हो, दो मुख्य कारण बने हैं, एक तो भगवान मुनि सुब्रत नाथ और दूसरा डीएन भैया के व्यवहार। भैया आपका व्यवहार नहीं होता, सत्य मानना, नेता इतने सारे कभी एक साथ नहीं आते। भैया सत्य कह रहे हैं, व्यक्तिगत व्यक्ति का जो व्यवहार है वो आपको आकर्षित करता है। पुण्य बढ़ाना है जिस जिस को अपना, भैया अपना व्यक्तिगत व्यवहार सुधारना प्रारंभ करो। परमात्मा बहुत दिन बाद बन पाओगे आप लोग। प्रियांश बेटा, परमात्मा बनने के पहले इंसान बनना पड़ता है, भगवान बनने के पहले इंसान बनना पड़ता है। अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं आई, तुम्हारे अंदर आई भगवत्ता भी नहीं आई। व्यक्ति सोचता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जितने लोग बैठे हैं सबके मन में कुछ ना कुछ चल रहा होगा कि मेरे साथ इतना अच्छा क्यों हो रहा है, मेरे साथ इतना खराब क्यों हो रहा है। विधायक जी, सांसद जी, पहले भी सभी लोग ऐसे ही पूछते थे। ये जो लोग बैठे हैं, आपके मोहल्ले के हैं, आपके रिश्तेदार हैं, ये पहले भी आपको इतने ही बहुमान से पूछते थे? नहीं पूछते थे। इतने ही बहुमान से टीका लगा के पूजा करते थे? नहीं करते थे। कुछ विशेष हुआ है, आपके पुण्य का उदय आया है, और ये जो पुण्य की प्राप्ति है, इन आने वाले 6 दिनों में आपको मालूम चलेगा पुण्य की महिमा क्या होती है। जरा सोचो पारस भैया, आज हम दोपहर में सोच रहे थे, पत्थर के परमात्मा है, परमात्मा भी नहीं है, परमात्मा की प्रतिकृति है। भैया आप लोग रामलीला का मंच लगाते कि नहीं, तो राम कहां से आएंगे, वो तो मोक्ष को चले गए, उनकी प्रतिकृति आप रखते हो। जरा सोचो, जब पत्थर के परमात्मा की ये प्रभावना, उनके दर्शन करके ये भावना, साक्षात परमात्मा होते होंगे, क्या भाव बनते होंगे। अभी तो प्रतिनिधि के प्रतिनिधि हैं, और जब साक्षात निधि होती होगी तो क्या बात है। भैया सांसद प्रतिनिधि भी आए क्या, कौन है भैया? आप सांसद नहीं हो, सांसद की प्रतिनिधि हो, सत्य है। जहां सांसद नहीं हो वहां पर प्रतिनिधि भी सांसद से कम नहीं होता। और लेकिन सांसद आ जाए तो, सांसद आ गए तो प्रतिनिधि बोले बैठो अब हो गया काम। सत्य मानना, अब यहां साक्षात परमात्मा नहीं है, साक्षात निधि नहीं है, अभी वर्तमान में साधु उनकी प्रतिनिधि है। हम तो यही सोचते हैं, अभी जब वर्तमान में साधु हैं तो वास्तविकता में इतने देश हैं, फिर भी भारत देश में बहुत शांति है, इतने देश हैं बहुत शांति, उसमें मध्य प्रदेश में भी फिर भी बहुत शांति है, क्योंकि साधुओं का विचरण है। जिस दिन साधुओं का विचरण बंद हो जाएगा भैया, सत्य मानना, भावों की विशुद्धि, पुण्य का संचय सब समाप्त हो जाएगा। आज समय बहुत हो गया है, चर्चा करेंगे आगे अगले दिनों में। अपनी क्रिया, अपने भावों को बहुत संभाल के रखना, मन से, वचन से और काय से। प्रियांश।
बेटा सुनो, कुछ लोग पूछते हैं, बोले महाराज जी क्या बात है? बोले बात नहीं कर रहे आप, क्या बात है? आप प्रमित सागर जी आप हमको देख ही नहीं रहे। भैया विचार करो, कहीं मन से वचन से और काय से आप किसी के दुख का कारण तो नहीं बने हो? आर जाओ बेटा, मन से वचन से काय से अगर तुम किसी के दुख का कारण बने हो, सत्य मानना तुम्हारे लिए भी दुख मिलेगा। आप किसी के लिए सुख का कारण नहीं बन सकते तो मत बनो, किसी के लिए दुख का कारण तो मत बनो। विधायक जी, बहुत लोग देखी हमने जिनके हाथ में सब कुछ है, उनको सिर्फ कहना है कि चलो कर दो तो बेचारे गरीब का पूरा काम हो जाएगा, लेकिन देखो लोग कैसे फंसा के रखते हैं नीचे से लेके ऊपर तक। अच्छा ईमानदारी से बताना आप भैया, पार्टी से टिकट मिली थी कितनी मेहनत करना पड़ी थी, जबकि आपको पार्टी के लिए ही काम करना है, सत्य है कि नहीं? मेहनत नहीं करना पड़ी डीएन भैया, मेहनत करना पड़ी थी। लेकिन उस बीच में आपके समर्थक भी होंगे, आपके निंदक भी होंगे, ऐसे भी होंगे जो कह रहे होंगे भाई इनको दो टिकट, ये ही डिजर्विंग पर्सन, ये वास्तविकता में इस पद का हकदार है, लेकिन उसकी टिकट ले ली गई होगी। आपको भी पता है कि हकदार है और ये मैदान में खड़ा हो गया, अपन को पीछे हटना पड़ेगा, फिर भी जो विघ्न करने आया है, दुख देने आया है, सत्य मानना, उसके भी जीवन में दुख मिलेगा। मन से वचन से और काय से जितने युवा बैठे ना भैया, सबसे कहना है, ओ भाई नागपुर सुन रहे क्या बेटा, किसी को दुख दिया होगा तो तुमको दुख मिला है, लेकिन तुमने किसी का दुख हरा होगा तो तुम्हारा भी दुख हरा गया है। एक बस में कथा सुना के बात समाप्त कर दें, एक बस में 20 मित्र बैठे, एक बस में 20 मित्र बैठे और केवल इस बात के लिए बैठे, चलो अपन कहीं जाकर के आउटिंग करेंगे, एंजॉय करेंगे। भैया वो बस पूरी की पूरी खाई में गिर गई और खाई जो थी 200 फीट नीचे थी, सत्य घटना सुना रहे आप होंगे बद्रीनाथ के आसपास की, पूरी की पूरी बस नीचे। भैया 200-250 फीट जाके नीचे बस गिरी, एक ही बालक बचा उसमें, वो भी कौन जो सबसे आगे बैठा था। अब उसका भाग्य देखना भैया, उसका भाग्य देखना, जब बस नीचे गिरी तो वो सीट पकड़ा था और उसके जो पीछे वाले सब आगे आ गए, वो उनके ऊपर गिरा, बस पूरी खाई में गिरी। उन 19 लोगों ने किसी न किसी को दुख दिया होगा तो सामूहिक दुख मिला है, उस एक व्यक्ति ने सामूहिक किसी का दुख हारा होगा तो उसके भी आयु का वर्धक हुआ है। अपन अपने जीवन में देखें, हम किसी के दुख का निमित्त तो नहीं बन रहे। भैया जितने भी पात्र बने हैं इस पंच कल्याणक में, उन सबसे कहना है, जितनी माताएं बैठी हैं, मां सुन रही कि नहीं आप लोग, अगर आप बुद्धिपूर्वक किसी के दुख का निमित्त बन रहे हो, सत्य मानना आपको दुख ही मिलेगा। एक मटका खरीद लेना आज आप लोग, गर्मी का मौसम है, ठंडे पानी का मजा कुछ और है, लेकिन साधु पुरुष गर्म ही पीते हैं ठंडा नहीं पीते। एक मटका आप लोग ले लेना, दो मटके लेना, एक मटके में ठंडा पानी रखना, एक मटके में मल रखना, जो मटका खोलोगे, जैसा मटका खोलोगे वैसी सुगंध दुर्गंध मिलेगी, नहीं मिलेगी? ये बताओ जरा भैया हमको, गुलाब के फूल में मल की दुर्गंध कभी आ सकती क्या? आ सकती क्या? और मल में कभी गुलाब की सुगंध आ सकती क्या? न गुलाब में मल की दुर्गंध आएगी, न मल में गुलाब की सुगंध आएगी। जिसकी जो प्रकृति है द्रव्य की, वो अपनी प्रकृति नहीं छोड़ता। ऐसे ही भैया जिसने दुख दिया है, जो पाप का अर्जन किया है,
उसको दुख मिलेगा, उसके पाप का ही उदय आएगा। समय लग सकता है, समय लग सकता है। पारस भैया आपके सिवनी में बहुत ज्ञानी लोग हैं भैया, बताएं, हाथ पैर कम चलाने वाले हैं, ओठ हिलाने वाले ज्यादा हैं। सुदर्शन दादा सुन रहे कि नहीं, जितने अच्छे काम करोगे उतनी ठुकाई होगी, पक्की बात है। लेकिन इतना भी ध्यान रखना दादा, पुण्य हमारा हमारे साथ है, हम भगवान के पंच कल्याण की व्यवस्था कर रहे हैं, हम समाज की कोई व्यवस्था नहीं कर रहे। बात समाप्त करते इतना सुन लेना, तुम ये जो ओंट है ये चलाने वाले ज्यादा हैं, हाथ पैर चलाने वाले कम हैं। एक महानुभाव क्या कह रहे थे पता, मिलन भैया बोले इतने महाराज होके चले गए, किसी को ये नहीं पता कि इन प्रतिमाओं में त्रुटि है, यही अकेले ज्ञानी है क्या? देखो खबर तो पूरी आती है हमारे पास, नेटवर्क हमारा बहुत तेज है, हम गलत तो नहीं कह रहे दादा? सुनो दादा, अब उनसे क्या कहें, हर साधु की हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक निजी दृष्टि है। कुछ विधायक ऐसे बनते हैं वो गली से लेकर के मंदिर तक और मोहल्ले तक सबको रोशन कर देते हैं, होता कि नहीं विधायक जी? और कुछ ऐसे होते हैं वो कुछ करते ही नहीं है, आओ और जाओ। अब भैया तुम आओगे और जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, थोड़ी सी मेहनत करोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। जिसका नजरिया जैसा होगा उसको वस्तु ऐसी दिखती है। आप देखते हो बच्चे हैं, हम देखते हैं ये भविष्य की निधियां हैं। सुब्रत, एक श्रावक भी हमारा अगर धर्म में लग गया, सत्य मानना हमने जिन शासन को आने वाले 50 साल के लिए जयवंत किया है, एक प्रतिमा भी हमने जिनालय में स्थापित की है, हमने जिनालय में प्रतिमा की स्थापना नहीं की, हमने जिन शासन की स्थापना की है। और सिवनी का नियोग है, कहीं के आते हैं कहीं जाते हैं, चाहे बड़े बाबा हो पारसनाथ, चाहे मुनि सुब्रतनाथ भगवान हो, आए थे कहीं और के लिए डीएन भैया और रुके कहीं और हैं, रखना किसी और को था और रख कोई और रहा है। ये नियोग है। और विश्व के सबसे बड़े स्फटिक के मुनि सुब्रतनाथ भगवान की स्थापना इसी सिवनी के गगनचुंबी जिनालय में होगी। भैया सुरक्षा भी रखना और दर्शन की व्यवस्था भी रखना। सुदर्शन दादा, दर्शन की व्यवस्था रखना, सुरक्षा भी रखना, सुरक्षा के चक्कर में दर्शन बंद मत कर देना। आपका सौभाग्य है, सहस्त्र दल कमल देखा किसी ने? ऐसा कमल जिसमें 1000 पंखुड़ियां हों, देखा कभी? नहीं देखा। अगर कीचड़ में जंगल में कहीं अंदर खिला हो तो क्या कीमत। नीतिकार कहते हैं वो सहस्त्र दल कमल अगर नगर के बीच चौराहे में खिले तो लोग उसको देखेंगे। वो नीतिकार की बात याद आई और उस बात की बड़ी खुशी है कि एक पाषाण खंड कहीं भूमि में पड़ा होगा, वो सहस्त्र दल कमल बनकर अब सिवनी की वेदियों पर विराजमान होगा। अभी पत्थर है तो ये आकर्षण है, जब परमात्मा बनेंगे तो क्या आकर्षण होगा। और पंडित जी आ गए हैं, पंडित जी तो हमसे ज्यादा ज्ञानी हैं, कहाँ है पंडित जी? अरे पारस भैया ये इन्होंने भी घाट घाट का पिया है भैया। और आप लोगों का सौभाग्य कि अपने बीच में अनुभवी प्रतिष्ठाचार्य हैं, कोई नए खिलाड़ी नहीं है। पंडित जी मूर्तियों में ऐसी जान भर देना, ऐसी जान भर देना, सिवनी नहीं स्वर्ग से भी देव आके देखें कि हाँ नंदीश्वर जैसी प्रतिमा स्थापित है। पंडित जी का 108वां पंचकरण के भैया कौन सा? और पंडित जी सौभाग्य देखो आप, हमने तो 108 कही थी और हमें ऐसा लग रहा है, गिनती करके आप बताना, लगभग लगभग 125 प्रतिमाएं तो स्थापित होंगी। पंच कल्याणक जो है
पारस भी छोटे काम नहीं, बड़ा सोचो और बड़ा करो। आप सभी सुख और दुख पर ध्यान रखें। अगले आगे दिनों में अपन इन्हीं की चर्चा करेंगे, हमारे जीवन में सुख कैसे बढ़े, हमारे जीवन में दुख कैसे घटे, हमारे जीवन में परमात्मा बनने की प्रक्रिया कैसे प्रकट हो, इसकी चर्चा आगे करेंगे। आप सभी जिन शासन की अभूतपूर्व भावना में अपना सहयोग करें भैया, ये मत सोचना ये कुर्सी में बैठे लोग हमारे बीच के नहीं है। भैया ये नहीं होते तो आपके कार्यक्रम की शोभा क्या होती। आप सभी पारस्परिक संयोग करके, पारस्परिक सहयोग करके एक दूसरे के साथ इस कार्यक्रम की अभूतपूर्व गरिमा को बनाएंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।